एक बार की बात है, राजा अकबर अपने दरबार में बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें ख्याल आया कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बढ़ गए हैं। इस ख्याल के आते ही अपने एक दरबारी को बुलाकर नाय को फौरन हाजिर होने का संदेश भिजवाया। राजा का संदेश मिलते ही नाय महल पहुंच गया। महल पहुंचकर नाय राजा की हजामत बना ही रहा था कि कहीं से एक कौवा वहां आकर बैठ जाता है और काँव काँव करने लगता है। राजा अकबर नाय से पूछते हैं, यह कौवा काँव काँव क्यों कर रहा है? इस पर नाय जवाब देता है, यह आपके पूर्वजों का हालचाल बताने आया है। नाय के इतना कहते ही राजा अकबर आश्चर्य से पूछते हैं, तो बताओ फिर यह कौवा मेरे पूर्वजों के बारे में आखिर क्या बता रहा है? राजा के इस सवाल पर नाय कहता है, यह कौवा कह रहा है आपके पूर्वज स्वर्ग में मुसीबत में है और काफी परेशान है। उनका हालचाल लेने के लिए आपको अपने किसी करीबी को स्वर्ग भेजना चाहिए। नाय की यह बात सुनकर राजा अकबर और भी हैरान हो जाते हैं। राजा अकबर आश्चर्य से नाय से पूछते हैं, आखिर किसी इंसान को जिंदा स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है? राजा के इस सवाल पर नाय जवाब देता है, महाराज मेरी नजर में एक पुरोहित है जो इस काम को अंजाम दे सकता है। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी एक मत में बीरबर का नाम आगे रखते हैं। दरबारी कहते हैं, स्वर्ग जाकर पूर्वजों का हालचाल लेने के लिए बीरबर से उचित व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बीरबर हम सब में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान और चतुर है। इसलिए स्वर्ग में आपके पूर्वजों का हालचाल लेकर वह उनकी परेशानी का हल आसानी से निकाल सकता है। राजा अकबर दरबारियों की इस सलाह को मानते हुए बीरबर को स्वर्ग भेजने की तैयारी कर लेते हैं। इस बात का पता चलते ही बीरबर पुरोहित को बुलाकर स्वर्ग भेजने की विधि के बारे में पूछते हैं। स्वर्ग जाने की पूरी प्रक्रिया जानने के बाद बीरबर राजा अकबर के से करीब 11 दिन का समय मांगते हैं और पुरोहित को 11 दिन बाद बुलाने की बात रखते हैं। वह कहते हैं, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और कितने दिन मुझे लौटने में लगेगा इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए स्वर्ग जाने से पहले एक बार मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ और कुछ समय बिताना चाहता हूँ। बीरबर अपने घर जाने के लिए महल से रवाना हो जाते हैं। देखते देखते 11 दिन बीत जाते हैं। 12वें दिन बीरबर स्वर्ग जाने के लिए राजा अकबर के सामने हाजिर होते हैं। पुरोहित को बुलाया जाता है और बीरबर को स्वर्ग भेजने की तैयारी की जाने लगती है। पुरोहित बीरबर को स्वर्ग भेजने के लिए महल से कुछ दूर एक गड्ढे में दफना देते हैं और बीरबर को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया पूरी होती है। धीरे धीरे 2 महीना बीत जाते हैं और राजा अकबर को बीरबर की चिंता होने लगती है। तभी अचानक बीरबर दरबार में हाजिर हो जाते हैं। राजा अकबर बीरबर को देखकर खुश हो जाते हैं और अपने पूर्वजों का हाल चाल पूछते हैं। तब बीरबर बताते हैं, आपके पूर्वज काफी खुश है और मजे में है। उन्हें बस एक ही तकलीफ है कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बड़े हो गए हैं, जिन्हें काटने वाला स्वर्ग में कोई नाय नहीं है, इसलिए वहाँ उन्हें एक नाय की जरूरत है। बीरबर कहते हैं, ऐसे में हमें आपके पूर्वज के लिए एक अच्छे नाय को स्वर्ग भेजने की तैयारी करनी चाहिए। बीरबर के इस बात पर राजा नाय को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं। राजा का आदेश सुनकर नाय घबरा जाता है और राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। नाय राजा से कहता है, यह सब कुछ उसने वजीर अब्दुल्ला के कहने पर किया था, यह सब उन्हीं की साजिश थी ताकि वह बीरबर को अपने रास्ते से हटा सके। अब राजा अकबर के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। यह सब जानने के बाद राजा अकबर ने वजीर अब्दुल्ला और उनके साथियों को दंड देने का आदेश दिया। अंत में राजा अकबर बीरबर से पूछते हैं, तुम्हें इस सच्चाई का पता कैसे चला और तुम गड्ढे से कैसे बच गए? तब बीरबर जवाब देते हैं, गड्ढे में दफनाया जाने की बात सुनकर मुझे इस साजिश का अंदाजा हो गया था, इसी वजह से मैंने 11 दिन का समय मांगा था। उन 11 दिनों में मैंने उस गड्ढे वाले स्थान के नीचे से अपने घर तक एक सुरंग बनवा दी थी। उस सुरंग के जरिए ही मैं वहां से बचकर निकल पाया। बीरबर की पूरी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और बोले, वाह बीरबर वाह, यह काम केवल तुम ही कर सकते थे। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? बीरबर की स्वर्ग की यात्रा कहानी से सीख मिलती है कि सूझबूझ से बड़े परेशानियों का हल आसानी से निकाला जा सकता है।